भाभी जैसे क्यों चली गई? जी ये लोग कह रहे हैं कि छोटी बच्ची पर बांझ का साया नहीं पड़ना चाहिए। ये बात मैंने दीदी से कह दी, शायद इसी बात का बुरा मान गई। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, ठीक ही तो कहा है, बांझ तो वो है ही। पारो पारो क्या बात है? पारो क्या हुआ है? तुम बोलती क्यों हो? रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? मुझे सच सच बताओ, हुआ क्या है? होगा क्या जी, आज रजनी को सौभाग्य देखकर मेरे सीने में भी ममता का बादल उमड़ा है। हे भगवान, मैंने इसे कौन से पाप किया कि सास ने बांध दी, मेरी गोद सूनी रह गई। कि कौन से कर्मों के भोलेनाथ कि सावन हमारे लिए पंचर बन गया। बस इसीलिए थोड़ी देर के लिए बस इतनी सी बात, भरपूर जवानी में ये लाचारी के आंसू क्यों? और फिर दयाराम का बच्चा भी तो अपना ही है ना। अरे जब भगवान की मर्जी होगी ना तो अपने भी बच्चे होंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे नाथ, पर आप पुरुष हैं और मैं एक औरत। औरत की ममता को जो सुख उसके कोख के बच्चे की किलकारियां सुनकर मिलता है, उसके लिए दुनिया में इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। मुझे बच्चा चाहिए नाथ, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। माई, आज फिर तेरी आंखों में आंसू। मैं सब जान चुका हूं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तुम दोनों साथ जाकर बालाजी के पास माथा टेको। इस कलयुग में भी भगवान को कोई सच्चे मन से पुकारता है तो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता, वो सबकी सुनता है, तुम्हारी भी जरूर सुनेगा। बाबा मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी, आज ही जाऊंगी, अपने आंसू से पवन पुत्र के चरण धोऊंगी, पूजा और व्रत करके बालाजी की आरती उतारूंगी। मुझे ले चलो नाथ, हम दोनों आज ही चलेंगे। हाँ, हम आज ही चलेंगे। जय बजरंग बली। प्रभु तुम सबकी सबकी नाव की भैया हो, इस अभागन की नाव भी पार लगा दो बाबा। मुझे भी कोई माँ कहकर पुकारे, सिर्फ एक लाल मेरी झोली में भी डाल दो बाबा, मेरे आंचल की लाज रख लो बाबा। लो बेटी प्रसाद लो। सच्चे मन से पुकारने वाले की पुकार सालासर के बालाजी अवश्य सुनते हैं।
सुनिए जी, ये बच्चा किसका है? तुम यहीं ठहरो, मैं पूछ कर आता हूं। हमारी प्रार्थना सुन ली नाथ, सच्चे मन से जो पुकारे वो मन वांछित फल पाए। नहीं नहीं, ना इसकी जात का पता ना खानदान का पता, हम इसे कैसे रखेंगे? एक काम करते हैं, हम इसे अनाथ आश्रम में दे देते हैं। क्या कहा, अनाथ आश्रम में? बच्चा तो भगवान का रूप होता है नाथ, उसकी क्या जात क्या पात, जात पात तो लोगों ने बनाई है, इस मासूम बच्चे को ऐसे कैसे छोड़ दूं? सोच लो, इसे अपनाने में कोई समस्या नहीं, लेकिन आज का ये समाज कल तुमसे पूछेगा, कई बातें करेगा, तुम्हें कुरेदेगा कि ये बच्चा किसका है, तो क्या तुम ये सह पाओगी? नारी की ममता पीपल का सूखा पत्ता नहीं, त्याग करुणा भावना का विशाल वटवृक्ष है, मैं सबको सह लूंगी नाथ। आज तुम्हारी कोई औलाद नहीं ना, पर मान लो कल को तुम्हारी कोख से कोई औलाद हो गई तो क्या इसे इतना ही प्यार दे पाओगी? भगवान के आशीर्वाद से बढ़कर भी कोई औलाद होती है क्या? बालाजी के इस आशीर्वाद को मैं जीवन जीवन बनाकर पालूंगी, इसे अपना लो नाथ, ये अपनी पहली औलाद है, मना मत करो नाथ, मान लो, इसे स्वीकार कर लो, मान लो नाथ, मान लो। वाह रे औरत की ममता, जब बालाजी के कृपा से तुमको ये पुत्र मिला है तो इसका नाम भी बजरंगी रखो। ऐसा करो, तुम अंदर जाके आराम करो, मैं अभी आता हूं। अजी क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं भाई मौसी, बार बार उल्टी करने को दिल कर रहा है और खट्टा खाने को भी दिल कर रहा है। तू तो बुद्ध का बुद्ध ही रहेगा बेटा शिव। क्यों, क्या हुआ? उल्टी होने का मतलब ही नहीं समझता। बधाई हो बधाई, तू बच्चे का बाप बनने वाला है। सच? क्या ये बात सच है पारो? बेटा, दो बच्चे हुए हैं, एक बेटा एक बेटी।
आज मैं बहुत खुश हूँ पारो, बहुत खुश। सब बालाजी की कृपा है, बालाजी महाराज ने हमारी प्रार्थना सुन ली। क्यों ना सुनते, घर में बजरंगी के पांव तो पहले ही पड़ गए थे, सो आज घर में तीन तीन बच्चे हैं। देखो ना, एक तुम्हारी लक्ष्मी है, दूसरा नटकट कन्हैया। बाबूजी, आपने क्या कर लिया? अरे कोई रात को बुलाओ। नहीं पारू, ये कोई नहीं जानता कि कब किसको जाने पड़ जाए। तुम्हें ही बच्चों को संभालना पड़ेगा तुम्हें। नहीं सभी नहीं, ऐसा मत बोलिए। अभी तो आपके बच्चों के दूध के दांत भी नहीं टूटे। बोलो यार, तुमने मुझको मुझे मुझे याद रहेगा पारो। बेटा बेटा बजरंगी, माँ का हक ख्याल रखना बेटा। बाबूजी, और तुम्हारे चाचा जी के पास मैंने गीता की शादी के लिए 20,000 रुपए रखे हुए। एक बात पूछूं माँ, माँ क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ? ये तू क्या कह रहे रे? तो उस मशान में दयाराम चाचा ने मुझे बाबा की चिता में आग देने से मना क्यों कर दिया माँ? तेरे बाबूजी के बाद अपने परिवार में चाचा ही सबसे बड़े हैं। उन्होंने जो किया ठीक किया, पर तू ही मेरा बेटा है, तू तो है मेरा बड़ा बेटा, तू तो है मेरा बड़ा बेटा। माँ मत रो, माँ मत रो, मत रो माँ। माँ, सब लोग अपने अपने खेत बोने जा रहे हैं, अपना खेत कौन बोएगा माँ? और अपना खेत नहीं बोया जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे माँ? औरत क्या कुछ नहीं कर सकती। औरत ने लक्ष्मी बाई बनके एक नया इतिहास रचा, मीरा बाई बनके भक्ति का संदेश दिया, राधा और सीता बनके अमरता का उदाहरण दिया। पारो तू जा और दिखा दे लोगों को एक माँ की महाशक्ति। मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगा माँ। और पढ़ाई
बाबूजी का काम मैं संभालूंगा और मेरा काम संभालेगा बलराम। पर बेटा तू चल तो सही माँ, देख तेरा ये बेटा तेरे आशीर्वाद से धरती माँ को बाजरे की फसल से कैसे सजाता है। नमन करो इस धरती को, सब नर नारी इस गांव के, देवता तरसे ये धरती दे। कितनी देर लगा दिया आज उठने में, सोए सोए सपना देख रहे थे क्या? किसका सपना देख रहे थे ये तो बताओ ना भैया। मुझे तो हर समय नींद में एक ही सपना आता अच्छा? है, और हर सपने में बस एक ही दुल्हन नजर आती है डोली में बैठी। जानती हूँ सपने में तुम किसे देखते हो, राधा को, हमारी होने वाली भाभी। अरे मैं तो तेरे ब्याह का सपना देखता हूँ मेरी लाजो। तू डोली में बैठी है और मैं मेरी छोटी बहन को विदा कर रहा हूँ। भैया मुझे विदा करने की बहुत जल्दी है ना, बोझ लगती हूँ ना। अरे नहीं रे पगली, तू तो मेरी आंखों का सुकून है। पर बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना, बेटी का कद जब घर के दीवार से ऊंचा हो जाए तो उसका हाथ पीला कर देना चाहिए। गीता बेटी जगा दिया उसे। जागे हुए को कौन जगाएगा। जगा दिया माँ। भैया तुम तैयार हो जाओ, आज राखी का दिन है, मैं बलराम भैया को जगा कर आती हूँ। हाँ। ओहो बलराम भैया उठो ना, सोने देना। ओहो दो दिन हो गए कपड़े भी धोने को नहीं दिए। अरे उठोगे कि नहीं कुंभकर्ण कहीं के। भैया उठ जाओ, दिन निकल आया है। क्या हुआ भैया, तुम्हारी कोई चीज गुम गई है क्या? हाँ गुम तो गई है, तुझे मिली है क्या? नहीं तो देख छिपकली चोरी किया ना तो भैया को बोल दूंगा मैं। अच्छा भैया की धमकी देते हो, भैया को तो मैं बताती हूँ, मैं तुम्हारी चोरी बता दूंगी। हाँ तो, तो, अरे गीता भैया, अरे भैया सुन तो, देख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, कान पकड़ता हूँ भैया, मैं नहीं दूंगी ये लो। महावीर जन्म सुना। क्या हुआ भैया, एक खास बात है। अरे क्या बात है भाई? नहीं भैया कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। भैया मेरे पास एक जादू की चाबी है। चाबी? हाँ। चाबी नहीं भैया। हाँ माफी 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 भैया, आज तो आपको चाबी देखनी पड़ेगी। दिखा दो। जरूर दिखाना, पर जाना माँ बुला रही है, वो देख आवाज दे रही है माँ। भैया आपने माँ की आवाज सुनी क्या? गीता हाँ। बेटी थाली तैयार कर ले। आ, देखा ना माँ बुला रही है। अनरंगी कौन? चाचा? अरे चाचा नहीं, चाचा का बेटा। अरे थोड़ा बहुत इस
भाई का तो इंतजार कर लिया होता। ले बांधे राखी। भैया पकड़ो जरा। हाँ ले बांधे। अरे राखी कहाँ है? ताई जी नमस्ते। जी दे रहो बेटा। ले बांध। बांध। सुखी रे। और ये लो 100 रुपया। भैया करवा देते। चमो, अरे चमो। अरे मालिक आया। क्या है तू? देखिए मालिक, मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि मेरा नाम सोमनाथ है। आपने मुझे सोमनाथ से सोमू बनाया, मैं चुप रह गया। अब आपने मुझे सोमू से चोमू बना दिया तो मुझे बुरा लगेगा कि नहीं? अकल के काने, मेरे पैसे किसने लिए? कहां से? कहां से क्या, मेरी जेब से। अरे अब मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आई? अरे तेरी शर्म की तो ऐसी की तैसी। हाँ तू मुझे झूठ बोलता है मुझे। अरे झूठ क्यों बोलूंगा आपसे, जब मैंने रुपया लिया ही नहीं तो रुपया गया कहाँ? घर में और कौन भूत है जो रुपया चुरावेगा? आप हैं, माधव है। बहुत होशियार बन रहा है, मुझे ही बता रहा है कि मेरे घर में कौन कौन है, मुझे उल्लू बना रहा है। बनाने की जरूरत है। चमो। सोमू। ओह सोमू। अरे मेरा बेटा सोमू, अगर तूने मेरा रुपया वापस नहीं किया ना तो पुलिस में रिपोर्ट करवा के तेरी चमड़ी तोड़वा दूंगा। क्या समझा गधे की औलाद? बापू गधे की औलाद ये नहीं, वो 100 रुपया मैंने चुराया। ठोके पट्टे, क्यों चुराया तूने मेरा पैसा, क्यों चुराया? अरे बापू मांगू तो आप देते तो हो नहीं, और चुराने के अलावा रास्ता नहीं था। ला बेटा दे। बापू जेब में रुपया है ही नहीं, हर साल में राखी में ओ, हर साल राखी को पूर्णिमा में गीता को 25 रुपया दिया करता था। तो फिर इस बार 100 दिया है। लुटा दे, लुटा दे। तेरे बाप का माल है ना, अरे डाला है। जिंदगी में कभी तूने 1 रुपया तो कमाया नहीं है, सिर्फ लुटाता ही रहता है। एक बुट्टी कौड़ी भी आगे नहीं मिलेगी तुझे। बापू फिर तो कफन का पैसा भी आप घर से नहीं देंगे। राधा इधर आ। कहाँ जा रही है? मामा को खेत में रोटी देने। पर तू यहाँ बैठकर क्या सोच रहा है? तेरे ही बारे में सोच रहा हूँ। क्या बता ना? नहीं नहीं बताया नहीं जा सकता। क्यों, कोई उल्टा पुल्टा तो नहीं सोच रहा है ना? दो ही तो सोच है, कभी उल्टा कभी पुल्टा। कभी कभी तू बहुत तंग करता है। मैं और तंग करता हूँ? अरे कभी दिल पे छू कर तो देखा होता कि तू इसे कितना तंग करती है। मैं भी तो तेरे बारे में सोचती रहती हूँ, कभी उल्टा कभी सीधा, उसमें तू मुझे बहुत तंग करता है। कुछ दिनों की ही तो बात है, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी यही सोचती रहती हूँ, पर मेरा मामा मेरा रिश्ता तय करने वाला है। राधा तुझे तो मालूम है, जब तक मैं गीता की शादी और बलराम की पढ़ाई पूरी नहीं करवा देता मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने कब कहा कि हाय। भैया कॉलेज की फीस और हॉस्टल के खर्चे के लिए 1000 रुपया चाहिए। एक हजार मुश्किल है। नहीं नहीं, मेरे बलराम की पढ़ाई के सामने मुश्किल क्या चीज है। नौकरी मिलने के बाद हर महीने माँ के चरणों में रुपया भी तो तू ही लाकर रखेगा। तू चिंता मत कर। तुझे कब जाना है? कल ही जाना है। हाँ
मैं भिजवा दूंगा, पर माँ को इस बारे में कुछ मत कहना, नहीं तो माँ को बेवजह चिंता होने लगेगी। ठीक है, अब तो सो जा। जी भैया। अच्छा भैया, मैं पैसे भिजवा रहा हूँ। ठीक है भैया, तू जाते ही चिट्ठी लिखना। हाँ हाँ, जरूर लिखूंगा। तू अपना ख्याल रखना भैया। अपना ख्याल रखिएगा भैया। अच्छा जी भैया, अपना ख्याल रखिएगा। बेटा बजरंगी, क्या सोच रहे हैं रे? माँ, वो बलराम को 1000 रुपए चाहिए ना। पर माँ, तुझे नहीं कैसे मालूम? मैं तेरी माँ हूँ, अगर तेरे मन की बात मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा? पर बेटा, इतना रुपया तू लाएगा कहाँ से? हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ माँ। बलराम की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। जानती हूँ बेटा, जितना तुझे करना चाहिए तू उससे ज्यादा ही कर रहा है। एक काम कर, तेरे चाचा जी के पास तेरे बापू ने 20,000 रुपया रखा था, उसमें से 1,000 तू तो जानती है माँ, वो पैसा गीता की शादी के लिए है। इतनी मुसीबत आई पर तुमने कभी उन रुपयों को हाथ नहीं लगाया, तो फिर आज क्यों माँ? बेटा बजरंगी, बलराम पढ़ लिख जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। चल तू मेरे साथ। आइए भाभी जी, आइए। आओ बेटा आओ। आज यहाँ कैसे? कहिए, आप लोगों की क्या खातिर करूं? दूध लाओ, लस्सी लाओ। पट्टे, कोई भी घर में आया नहीं कि तेरी खातिरदारी शुरू। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? अरे अक्कल के कारण तेरे बाप का घर समझ रखा है क्या तूने? अरे भाभी जी, राम राम। आइए भाभी जी, आप तो घर के हैं। अरे उल्लू के पट्टे, सोमू के बच्चे भी यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाकर कुछ लेकर आ, जल्दी जाना। नलाई कहीं का। भाभी जी, आपने कष्ट क्यों किया? देवर जी, जब भी कोई मुसीबत आती है मुझे आप ही के पास तो आना पड़ता है। आपके भाई साहब कहकर गए थे कि आपके पास गीता की शादी के लिए हमारे 20,000 रुपए रखे हुए हैं। मुझे उसमें से 1,000 रुपया चाहिए बलराम की फीस के लिए। जरूर दे दो। बलराम पढ़ लिख कर बड़ा बने, पर ये बजरंगी तो इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है कि मेरा बही खाता पढ़ सके। आपका बही खाता तो गंगा जी के पंडा की तरह है, जिन्हें या तो भगवान जाने या भुक्त भोगी जाने। अरे वाह, आज मेरे सोमू ने जिंदगी में पहली बार अकल की बात की है। मेरा बही खाता तो पाई पाई का हिसाब रखता है। अब मतलब की बात यह है कि मेरा 17,420 रुपया बाहर आने तुम लोगों पर निकलता है। आपका बनता है, पर बाबू जी के 20,000 रुपए का क्या हुआ? बेटा बजरंगी, जब तू 2 फुट 7.5 इंच का था तब तेरे बाप के क्रियाक्रम के वास्ते 7,500 रुपए दिया था। आहा, क्या शान से, क्या धूमधाम से क्रियाक्रम हुआ था उनका, क्यों भाभी जी? और बेटा, जब तू 3 फुट 7.5 इंच का हुआ उस बीच 3 बार अकाल पड़ा था कि नहीं? उसके वास्ते फिर तेरी माँ को पैसा दिया था, क्यों भाभी जी? देख, तेरी माँ के अंगूठे के निशान है। और सुन बेटा, जब तू 5 फुट 7.5 इंच का हुआ
तब बीज बोने के लिए 5 बार तेरी माँ को पैसा दिया था, क्यों दिया था कि नहीं? अरे पंचायत अंगूठा पहचानती है। अरे क्या हुआ भाभी जी, अभी मैंने ब्याज की बात तो बताई नहीं। अरे बेटा तू अपनी माँ को जल्दी से यहाँ से ले जा, उन्हें कुछ हो गया तो दवाई पानी का खर्चा भी हिसाब है लिखना पड़ेगा। बस चाचा बस, चल माँ। अरे गधे, किसी ने कभी शेर के मुंह से हड्डी निकाली है क्या? हैं बापू। ए क्या है बापू? क्या हुआ? हड्डी का संबंध शेर से नहीं कुत्ते से होता है। कुत्ते का बच्चा। आओ चुप, हमेशा बीच में टांग अड़ाने आ जाता है बापू। नहीं नहीं बेटा, ना ना ले ले हड्डी, खा ले ले, खा ले खा ले मेरे प्यारा बेटा, खा ले हड्डी। हां खा रहे बापू। भैया इसे बेचकर भैया को पैसे भेज दो। गीता तेरा हार लेके भेज दूं? ये पाप मैं कभी नहीं कर सकता भैया। ना किसी को सिल्वर बेचने की जरूरत है, ना किसी को पाप करने की जरूरत है। भैया क्या आप मुझे पराया समझते हैं? मेरे रहते हैं मेरी बहन का जेवर कैसे बिक सकता है? मैंने रुपयों का इंतजाम कर लिया है, बाजार को देने ही जा रहा हूँ। माधव इतनी बड़ी रकम तू कहाँ से लिया है? भैया आप आम खाओ, पेड़ गिनने की जरूरत क्या है? कहाँ से ले आया ये बात तो एक दिन मेरा बाप ही पूछने वाला है। ये ले ले, ये भैया ने भेजा है। भैया ने भेजा है? वो पैसा भेजने में कभी देर नहीं करते। अरे देर तो बिचौलिया करता है, नहीं तो भैया तो पैसा पहले से दे देते। बिचौलिया? पर मेरे और भैया के बीच में कौन है? एक तो मैं ही हूँ। बजरंगी भैया, ये पैसा सिर्फ पैसा नहीं, आपका पसीना है और मेरे शरीर का रोम रोम आपकी दया का कर्जदार है। मैं अगर भैया को बाबूजी कहूं तो कम होगा, अगर भगवान भी कहूं तो भी कम ही होगा। दूध ले लो दूध। ये क्या है भाई? क्या तेरे घर में लकड़ी? मेरा मतलब है लड़की और बोली दूध। अरे वो लड़की कमरे के अंदर नहीं, कमरे के बाहर है। तू यही बैठ, मैं भी आता हूँ। अरे मैं मर गया हूँ क्या? अरे अगर लकड़ियां दूध वाली हो, दूध मैं लेके आऊंगा। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? मुझे खाओगे क्या? मन तो वही कर रहा है। मुझे क्या आम या संतरा समझ रखा है? बस यही लाल टपक रही है। अरे लाल का बाप धार दे धार। अरे वही तो देख रहा हूँ धार। इसे कैसे पता चला कि मैं उल्लू का पट्टा हूँ? धार। अरे क्या हुआ भैया? अरे कुछ नहीं, दूध दूध। अरे बलराम ये तुम्हें दूध रोज देने आती है क्या? हाँ रोज देने आती है। रोज देने आती है? हाँ हाँ। आज के बाद तुझे नहीं मुझे देगी। अरे बिजली है बिजली। भैया जरा संभाल के करंट ना लग जाए। अरे अरे करंट लग गया। अरे
अरे बलराम, अब तो मैं यही रहूंगा, गांव कभी नहीं जाऊंगा, हर रोज इस चीज से दूर लूंगा। श्यामा, पढ़ाई पूरी होते ही मैं तो नौकरी ढूंढने लगूंगा। अच्छा, मेरी नौकरी कर लो ना। काम क्या करना होगा? हमेशा साथ रहना। अरे तुम्हारे साथ तो रह लूंगा, पर तुमने एक बात तो बताई नहीं। क्या? तनख्वाह कितनी मिलेगी? इस बात का फैसला तो पिताजी के पास जाकर ही होगा। अरे पर पहले अपना फैसला तो बता दो। बता दो ना। पिताजी, ये नमस्ते। तुम अंदर जाओ, जान पहचान तो मैं अपने आप ही कर लूंगा। बैठो, सोफा है, कुर्सी है, स्टूल है, जमीन है, तुम अपनी औकात देखकर खुद ही बैठ जाओ। मुझे मेरी औकात मालूम है, पर मेहमान बन के आया हूँ, इसलिए मर्यादा में बंधा हूँ। मेहमान कभी घर के अंदर बिना बुलाए नहीं घुसकर आता, इसलिए तुम तो मेहमान के काबिल भी नहीं हो। मेरा सारा परिचय अगर आप ही दे देंगे तो हम एक दूसरे को जानेंगे कैसे? मेरा नाम बलराम। श्यामा मेरी इकलौती बेटी है। जैसे ही वो घर देर से आने लगी, मैंने तुम्हारा परिचय इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तुम्हारा एक भाई है बजरंगी, तुम्हारी कुंवारी बहन है गीता, और तुम्हारी माँ का नाम है पार्वती। और तुम्हारा घर, तुम्हारा तो पूरा घर गिरवी पड़ा है। अब तुमसे ज्यादा कमजोर और कौन हो सकता है? भले ही क्यों ना हो तुम्हारा नाम बलराम। अगर आपकी नजर में हालात ही परिचय है तो आप मुझे इजाजत दीजिए। रुको, परिचय चाहे अधूरा रहे लेकिन बात तो पूरी हो जानी चाहिए। बात पूरी मैं कर देता हूँ। अब आप ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे ना कि हमारे घर में महीने भर में जितना अनाज लगता है उतना खर्च तो आपकी बेटी एक ही दिन में कर देती है। हाँ बिल्कुल ठीक जा रहे हो। आगे भी ठीक ही जा रहा हूँ। पैसा जमीन जायदाद आपके पास बहुत होगी, लेकिन एक चीज आपके पास नहीं है और वो है इंसानियत। बलराम। श्यामा, अंदर जाओ। पिताजी। अंदर जाओ। और लीजिए ना। बस बस, अब तो अपनी बहन को बुलाइए बजरंगी जी। हाँ, अभी बुलाता हूँ। इसमें घबराने की क्या बात है, मैं हूं ना तेरे साथ। चल। हाँ, आजा। बजरंगी जी, हमें आपकी बहन पसंद है, आज से ये हमारे घर की लक्ष्मी हुई। Thank you.
डॉक्टर साहब, मेरी गीता ठीक तो है ना? बजरंगी जी, गीता ठीक तो हो जाएगी, पर क्या डॉक्टर साहब? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। नहीं, नहीं, नहीं। शांत हो जाइए, धीरे धीरे। गजब हो गया, अपनी गीता जो है ना सीढ़ियों से गिर गई और वो अंधी हो गई है। क्या कहा? हाँ। अंधी? हाँ। ये शादी नहीं हो सकती। मैं ये बारात वापस लेकर जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम्हारी बहन अंधी हो चुकी है, मैं ये बारात वापस ले जाऊंगा। उस बेचारी का क्या दोष है? मैं आपसे बया के भीख मांग रहा हूँ, मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। मैं कुछ नहीं कर सकता। चल बेटा श्याम। बाबूजी, मान लीजिए ये लड़की हमारे घर जाकर अंधी हो जाती तो आप क्या करते? जब ऐसा होता तब देखते, लेकिन अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो उसे पीते नहीं, भले ही उस दूध में केसर क्यों न पड़ा हो। चल दया कीजिए, दया कीजिए मुखिया जी, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मैं जिंदगी भर आपकी जूती बनकर रहने को तैयार हूँ, लेकिन वापस लौट ले। चल बेटा श्याम, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, इस घर की सारी खुशियां आपके हाथ में है। मुखिया जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हम पर दया करो, दया करो हम पर। मैं अपनी पगड़ी आपके पैरों तले रख रहा हूँ, इस कन्या पर ग्रहण मत लगाओ, बारात वापस लेकर मत जाओ, जो सजा देनी है आप मुझे दे दो, लेकिन ऐसा मत करो मुखिया जी, दया करो हम पर, दया करो मुखिया जी, मत जाओ। अरे बहुत आराम फरमा रही हो, क्यों तकलीफ हो रही है तुम्हें? अजी नहीं जी, हमको क्यों बुरा लगने लगा? तो फिर वो तो क्या है कि मैं इधर से जा रहा था, तो सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। क्या? वो तुम्हारा बेटा है ना? हाँ मेरा ही है। मेरे से एक दिन 10,000 रुपया ले गया था। 10,000? वो अपने 10,000 लेके बैठा है तेरे तो? उसके पास पैसे की कमी है क्या जो तेरे से पैसा लिया? अरे उसने पैसा ले लिया और मुझे बताया भी नहीं। ला हौला कुव्वत, सोचा तो हमने भी था, पर वो तुम्हारा बेटा है ना, इसलिए मैं उसे मना भी नहीं कर सका। सत्यानाश, पर वो है कहाँ? गधे का बच्चा? गधे का बच्चा यहाँ है बापू, वो 10,000 रुपए मैंने लिए। बैठू? पर ये बता लिया क्यों? तेरे क्या कहीं बीच में आता है? बता बापू, वो क्या है कि 1,000 रुपया बलराम की फीस में दे दिए और 9,000 मेरी गीता बहन की शादी में। बहुत धूमधाम से शादी जो हुई ना, आज तक घर में कुंवारी बैठी है, बाप का माल समझ रखा है, क्यों देख रहा है उन्हें? बापू, ये तो आप भी जानते हो कि उनके बाप का ही माल है। भैंस की औलाद है? क्या बोले? भैंस? अरे भोली, अरे अरे भोली, तू यहाँ करवाएगी क्या? मैं तो तेरे लिए घर छोड़कर आई हूँ। अरे तू तो मेरे खातिर घर छोड़कर आई है, लेकिन मुझे लगता है कि तेरी खातिर मुझे भी घर छोड़ना पड़ेगा। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, ये बात है। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, बाबू से फिर डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो प्यार। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? बापू, ये भैंस नहीं है, भोली है, आपकी होने वाली बहू। ये लो पकड़ो और ये लो भैंस का चारा। अरे गधे, एक तो मुझे पूछे बिना इस ग्वालन को घर में ले आया है, ऊपर से इस भैंस को अपने घर का चारा मुफ्त में खिला दिया तूने, ये यहाँ पर क्या करने आई है? बापू, ये आपके लिए नहीं लाई है, ये तो मेरे खातिर लाई है। पर ये यहाँ पर आई क्यों? अरे बापू, दूध पिलाने। अरे गधे, अगर दूध पीना था तो मैं खरीद देता, भैंस को क्यों गले में बांध लिया? बापू, बाजार वाला दूध तो आप ही पियो, मैं तो असली दूध ही पीऊंगा। ए भोली, चल वहाँ पर दूध पिला दे। अरे अरे रे, कहाँ जा रहा है? चुप, तेरा सत्यानाश हो भैंस की औलाद।
भाई बलराम बहुत अच्छे। अरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, कमाल कर दिया तुमने, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्यामा तुम इस वक्त? पिताजी ने मेरी शादी दूसरी जगह तय कर दी, इस हालत में मैं क्या करती, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। ये तुमने अच्छा नहीं किया श्यामा, माँ बाप की आज्ञा के बिना। मैं बहुत आशा लेकर आई हूँ बलराम, ना मत करना। रो रो कर आंसू सूख गए, फातिमा ने जवाब दे दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। मुझे अपना लो बलराम। बलराम तो किससे बात कर रहा है रे? ये माँ वो माँ। अरे ये माँ 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 क्या कर रहा है बता ना, कौन है? माँ ये फतेहपुर के सेठ घनश्याम दास की बेटी है, और माँ ये घर छोड़कर आ गई है यहाँ पर। बेटी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करने से माँ बाप की आत्मा को बड़ा कष्ट होता है। माँ जी मेरे पिताजी मेरी इच्छा के बिना मेरी शादी कहीं और कर देना चाहते हैं, और मैं बलराम से शादी करना चाहती हूँ। पर बेटी मुझ पर भरोसा रखिए माँ जी, मुझे जैसे रखेंगी मैं वैसे ही रह लूंगी। मुझे सेवा करने का मौका दीजिए माँ जी। पर बेटी तू क्या हमारे घर में खुश रह सकेगी? जी माँ जी आप मुझे जैसे रखेंगी मैं वैसे ही रहूंगी। ठीक है मैं आज ही पंडित को बुलाकर तेरी शादी करवाऊंगी। नहीं माँ नहीं, जब तक गीता की शादी नहीं हो जाती मैं शादी कैसे करूं? मैंने सब सुन लिया भैया, मैं अपने घर आई भाभी को वापस नहीं जाने दूंगी। भाभी भैया संधि से कौन शादी करेगा? नहीं गीता, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो क्या जिंदगी भर कुंवारे रहोगे? हाँ, हाँ, गीता हाँ। नहीं भैया ये नौबत आने से पहले मैं आत्महत्या कर लूंगी। गीता मेरी बहन, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। नहीं तुम्हें मेरी सौगंध है। नहीं गीता नहीं, नहीं गीता नहीं। हाँ भैया। बेटी तुझे जान देने की कोई जरूरत नहीं और ना ही सौगंध खाने की, मैं देखती हूँ कि कैसे शादी नहीं करता। माँ गीता, गीता तू भाइयों के लिए कुछ भी कर सकती है ना? भैया चुप बैठ, इस घर में माँ की आज्ञा के बिना और किसका हुक्म चलेगा? अब एक भी शब्द मुझसे कहा तो पागल। बजरंगी इसके पिताजी को खबर कर दे, ये यहाँ है और आसे हमारी बहू है। मैं खुश हूँ भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। क्या? अरे मुनीम आया जी, आया आया आया। अरे तू वहाँ क्या कर रहा है या? अरे क्या हो गया, क्या हो गया? ये देख ये क्या हो गया, तू चल मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ कैसे होती है शादी। अरे आपकी मर्जी के बिना तो भगवान भी शादी नहीं कर सकता। हाँ। पर शादी किसकी हो रही है? अरे श्यामा की। श्यामा की? अरे वाह ये तो बड़ी खुशी की बात है। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। अरे घर से भाग कर की है शादी, पर खुशी की बात है। अरे अरे सेठ घनश्याम दास की इज्जत धूल में मिल गई और तू कहता है बड़ी खुशी की बात है? अरे ये खबर सुनकर मेरे सीने पे सांप लौट गया है, सांप लौट गया है, और तू कहता है खुशी की बात है? मैं भी देखता हूँ कि मुझे दुखी करके वो सुख से कैसे रहते हैं। अगर मैंने इस बात का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी सेठ घनश्याम दास नहीं। हाँ माँ, माँ भैया, गीता माँ, माँ क्या हुआ रे? माँ देखो देखो माँ,
मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है माँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। बजरंगी माँ, देख बजरंगी, हाँ। देख तेरी सारी मेहनत सफल हो गई रे। हाँ, अब अपने सारे दुख दूर हो जाएंगे। भैया, अरे ये सब आपका ही आशीर्वाद है भैया। अरे नहीं रे, ये सब तो माँ के आशीर्वाद का फल है, जिसने कितनी मुश्किल से हमें पाल पोस कर बड़ा किया। ये सुख तो माँ के पुण्य प्रताप से है। मैं तो कहती हूँ भाभी के कदम इस घर के लिए बहुत ही शुभ है। ये तो मेरी लक्ष्मी है लक्ष्मी। माँ जी सदा सुखी रहो बेटी, तेरे आने से तो इस घर का भाग्य ही बदल गया। माँ जी प्रणाम। पर मैं ठाकुर साहब का मुनीम हूँ माँ जी, श्यामा बेटी वो ऊपर है, आप जाइए। श्यामा बेटी, श्यामा, अरे कहाँ है? आओ मुनीम चाचा। जीती रहे जीती रहे। बैठो मुनीम चाचा। तू सुखी तो है ना बेटी? बड़ी दुबली सी कमजोर सी लग रही है। नहीं तो, आपको बहम हो रहा है, मैं तो खूब मजे में हूँ। हाँ वो तो दिख ही रहा है। खैर घर के बाकी लोग किधर गए? वो तो काम पर गए हैं। माँ जी मंदिर गई हैं और भाई जी खेत में हैं। अब आप बताइए बाबूजी कैसे हैं? अरे बाबूजी के तो पूछो मत, सूख कर कांटा हो गए हैं। अरे पूरा दिन अपनी आंखें बिछाए तुम्हारा इंतजार करते रहते हैं। बाबूजी की मुझे भी बहुत याद आती है। अरे बेटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उनको अपने किए पर बहुत पछतावा है। तुम्हारे बाबूजी तुम्हें बहुत चाहते हैं। सुन, उनकी सारी जायदाद की तू ही तो वारिस है। नहीं मुनीम जी, अब तो यही मेरा घर है और यही मेरा संसार। तेरी बात 16-16 आने सही है, पर बेटा तू ये क्यों भूल रही है कि तेरा बाबूजी तो तेरे ही सहारे जीता है। देख बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, तुम्हें तो जमाई बाबू को लेकर वहीं घर बसा लेना चाहिए, वहाँ तेरे बाबूजी भी राजी हैं। और जो तुम्हारी जी में आए तो महीने के महीने अपने सासू को रुपए पैसे भेज दिया करना है। तू भी खुश और ये भी खुश। श्यामा, तुम यहाँ आराम फरमा रही हो और वहाँ माँ बर्तन साफ कर रही है, गीता चक्की पीस रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ गीता माँ, जब देखो माँ माँ, मैं तो तंग आ गई हूँ। यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? मैं रसोई बनाऊ, बर्तन माजू, तुम्हारी माँ के कपड़े धो और तुम्हारी अंधी बहन की लाठी बन के जीऊ। श्यामा, मैंने काम कभी नहीं किया, मैं करते करते थक गई, अब नहीं किया जाता। करना पड़ेगा। हे भगवान, तुमने मुझसे शादी क्यों की श्यामा? मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी स्थिति ये है। बता दिया था, पर काम के अलावा मेरी कोई जिंदगी नहीं। मेरे सुख दुख में शामिल होने के लिए तुम्हारे पास समय है क्या? है, पर पहले माँ गीता और भाई की देखभाल करूँगा, उसके बाद तुम्हारी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो जाओ माँ के पास, यहाँ क्या कर रहे हो? श्यामा, क्या हो रहा है? मेरे रहते मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं वही करूंगी जिससे ये घर टूटने से बच जाए। मैं इस घर को गांव की नजरों में तमाशा नहीं बनने दूंगी।
दुनिया को मैं ये नहीं कहने दूंगी कि बहु बेटे के बीच माँ दीवार बन रही है। माँ, माँ, माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो, माँ माँ। तू क्यों मेरे पीछे पड़ा रे माँ? क्या मामा लगा रखा है? खाना खाए तो माँ, पानी पिए तो माँ, तनख्वाह लाए माँ, अब तो दूध पीता बच्चा नहीं रहा, फिर तेरी माँ कितने दिन की है रे? नहीं माँ, नहीं माँ। क्या तुम्हें श्यामा ने कुछ कहा? मैं किसी को कुछ क्यों कहूँ? मैं तुम्हारे घर वालों की तरह अनपढ़ और गवार नहीं हूँ। क्यों मेरी बहू का मुंह खुलवा रहा है? क्यों मेरी खातिर तू अपने सुख के रास्ते में कांटे बिखेर रहा है? जा, इसकी खातिर इसके बाबूजी के घर चला जा। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी बीवी की खातिर अपनी माँ को छोड़ दूं, अपने भाई बहन को छोड़ दूं? नहीं माँ, नहीं। तुमने तो मुझे जन्म दिया है, इस बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म है। माँ, तेरी बहू भी तो तेरी जन्म भर की साथी है, उसको सुखी रखना तेरा धर्म है। मेरे लिए मेरी माँ पहले है, बीवी बाद में। ना बेटा, ना ना, कल सारा गांव यही कहेगा माँ बेटे ने मिलकर बहू का जीना हराम कर दिया। नहीं माँ, इस बुढ़ापे में मैं जगह सही नहीं चाहती। बेटा जा, तू इसे लेकर जा। ये नहीं हो सकता माँ, मैं इसे लेकर नहीं जाऊंगा। ये धनवान बाप की बेटी मेरे घर के हालात को जानती हुए भी खुद यहाँ चल कर आई थी। मेरे आंचल में दाग मत लगा बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ, मेरा बुढ़ापा मत बिगाड़ बेटा, इस घर में कलह का बीज मत बो बेटा। मुझे तुम मौत से पहले ही मार देना चाहता है क्या? नहीं माँ, नहीं। तो फिर मेरी सौगंध तू इसे लेकर इसके बाप के घर चला जा। देख, तूने मेरा कहना नहीं माना तो मेरा मरा मुंह देखेगा। बलराम, जा बेटा, जा, चला जा, चला जा। दरवाजा खोलो माँ, माँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो माँ, माँ दरवाजा खोलो, माँ माँ दरवाजा खोलो। श्यामा बेटी। बाबूजी। बस बाबूजी, चल मेरे साथ, मैं सब जान चुका हूँ। कुंवर साहब, हो सके तो तुम भी चलो। चले गए। बहू भी गई? ये तो क्या कह रही है माँ, ऐसा कैसे हो सकता है?
संभाल, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। वैद्य ने कहा है कि दिन में 3 बार गरम दूध के साथ लेने से बुखार उतर जाएगा। बेटा, हाँ? ये बुखार तो अब सांस के साथ ही जाएगा। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत बोल। माँ के कलेजे का एक टुकड़ा उससे दूर हो जाए तो ममता की बारी में उस माँ का बुखार कैसे उतर सकता है। माँ, अगर तू कहे तो मैं बलराम भैया को चिट्ठी लिखवा दूँ। नहीं नहीं बेटा, नहीं, मैं सोचेगी कि मुझे वहां भी चैन से नहीं रहने दे रहे। माँ, माँ, नहीं माँ, नहीं, नहीं माँ। क्या सोच रहे हो जी? मेरी गरीब धरती के बारे में, जो कि मेरी माँ है, और मेरी गरीब माँ के बारे में, जो कि मेरी धरती है। अब छोड़ो ना, क्यों घड़ी घड़ी गई बीती गरीबी को याद कर रहे हो? गरीब माँ का बेटा अमीर और अमीर औरत का पति गरीब हो तो ये बात कैसे भुलाई जा सकती है? अब आप गरीब नहीं हो जी, नए जमाने के नई सोसाइटी के अमीर पत्नी के पति। ये लो आपके अमेरिका हुक्मनामा, पिताजी ने सारी जायदाद आपके नाम कर दी। क्यों, आप खुश हो ना? बहुत खुश हूँ तुम्हारे पागलपन पर। राधा, राधा, अब तो अपनी मामी की बात मान ले और शादी किसी दूसरी जगह कर ले। आज तो ये बात कह दी, अगर आइंदा कहे तो मैं जान दे दूंगी। मैं राधा भले ही ना बन सकूं, लेकिन मीरा बनकर जी लूंगी। हाँ, यहाँ लगा दो। मुनीम जी, ये क्या करवा रहे हो? तू जा, ये ले पैसे, ये ले पैसा, तू जा 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 यहाँ से जा। अरे नए मालिक जी, ये है अंगूठे का निशान। अंगूठे का निशान 1 इंच का भी नहीं होगा, पर इनके एक एक अंगूठे के निशान के नीचे 8-8, 10-10 बीघा जमीन दबी पड़ी है, जिसे मैंने लगा के हाथों में छुपा ली। तो क्या तुम्हें अब ये भी बताना पड़ेगा कि कोरे कागज पर अंगूठा लगवाना कानूनी अपराध है? तो क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा कुंवर साहब कि जो आपने ये रेशमी कमीज पहन रखी है और हाथ में जो सोने की घड़ी बांध रखी है, और तो और जो आप घर से घी का स्वादिष्ट भोजन खाकर आए हो, वो सब इस अपराध की बदौलत ही है कुंवर साहब? इसका जवाब है आपके पास? घासलेट है। हाँ है। क्या करेंगे? जाओ ले आओ। अब भी लाता हूं।
अरे मैं लुट गया रे, मैं बर्बाद हो गया रे। क्या हुआ? अरे मैं लुट गया रे। क्या हुआ बाबूजी, मुझे बता। अरे लुट गया रे, और क्या हो गया? मुझे क्या पता था कि मेरे खून पसीने की कमाई को वो यमराज जमाई आग लगाकर जला देगा रे। अरे मेरे बाप, अगर मुझे पता होता कि इस लड़की के कहने पर मैं अपनी जायदाद इस यमराज जमाई के नाम पर कभी भी नहीं करता, कभी भी नहीं करता रे, कभी नहीं। ए जी सुनो तो, ये बाबूजी की जायदाद क्यों लुटा रहे हो? पको मत। हाँ? नफा नुकसान तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तुम्हारे जैसी बेवकूफ औरत और तुम्हारे बाप के जैसा अकल का अंधा मैंने आज तक नहीं देखा। राजस्थान में अकाल पड़ा है और तुम्हारे बाप ने सारा अनाज अपने गोदाम में दबा रखा है। अगर आज मैं वो बही खाता जला नहीं देता ना, तो इस वक्त तुम्हारा बाप जेल में होता। और कान खोलकर सुन लो, पुलिस इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए छापा मारने की योजना बना रही है, समझी? पिताजी आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। एक तो उन्होंने आपकी जान बचाई और आप उन्हीं पर झूठा इल्जाम लगा रहे। जब उनकी बात आपके समझ में नहीं आती तो उनको अपने हिसाब से चलने दीजिए ना। अरे सेठ जी, आपको जमाई बाबू को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे बोल। अरे जो आता है मुझे ही बोलता है, मुझे ही बोलता है, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। नहीं। मैं तो उल्लू का पट्टा हूँ। कौन हूँ? उल्लू का पट्टा। आओ साहब जी, भीतर आओ। बेटा माधो। क्या बापू? इनके पाँव छुओ, पैर पड़ो इनके, ये तुम्हारे ससुर जी हैं। देखो इन्होंने एडवांस भी दिया है। बापू मेरा ससुर? हाँ। बापू मेरा ससुर तो मर गया, वो देखो। इसकी तो मजाक करने की आदत है। अरे ये मजाक नहीं है राम कुमार जी, मजाक तो ये कर रहे हैं आपके साथ। एक बहू तो घर में है, अब दूसरी लाने की फिराक में है। ये सब दहेज का चक्कर है क्या, समझे? जरा ठहरो भोली। अरे अरे ए भोली, जरा यहाँ तो आओ। क्या है जी? ए भगवान, ये क्या देख रहा हूँ मैं? यही बाकी रह गया था देखने के लिए। ज्यादा नाटक मत करो। हा? घर में एक बहू के होते हुए दूसरी बहू लाने की बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, ये थैली यहाँ लाओ ना साहब जी, जाओ। पैसे की लालच ने तुम्हें पागल कर दिया है। अरे लानत है ऐसे बाप पर, तुम बड़े बेशर्म हो, बेटे को बेचने का व्यापार कर रहे हो। अरे साहब जी, अरे साहब जी, अरे सत्यानाश, 50,000 रुपए पर पानी फेर दिया ना लाए। फेर दिया। बराबर रुपया कौन देगा? इसका बाप देगा लड़की का, सर पर बैठा रखा है। अरे इसका तो बाप है ही नहीं। है? मेरा मतलब ये अनाथ है और मैं भोली से प्यार करता हूँ। अरे लानत है, बाप के सामने ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? अरे बापू सच बात करने में काहे की शर्म, तुम तो झूठ बोलते भी नहीं शर्माते हो है? अरे मेरी बात और है, मैं व्यापारी हूँ। बेटा बाप के मार पर कितना भी फुदक ले, जब खुद कमाई करेगा ना तब पता चलेगा। अभी मैं हाथ खींच लूँ तो आटे दाल का भाव मालूम चलेगा तुझे। हाँ तो ये भी आजमा कर देख लो बापू। ये बात है। हाँ। तो आज से इस घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा के लिए बंद। अरे भीख नहीं मांगी तो मेरा नाम भी दयाराम नहीं। हाँ। अरे बापू ये अकल पहले दी होती ना तो। अरे तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाता क्यों नहीं यहाँ से? ठीक है बापू, मैं काम करके भोली के साथ सुखी रहकर दिखाऊंगा। हाँ। चल भोली। अरे जा जा, ये काम करेगा उल्लू का पट्टा। देवर जी मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? ना दुखारे का जीवन तो पहले ही दुखों से भरा है। तेरी तो, अरे तेरी बहन को तेरा जीजा ले जाए। देखो भाभी जी, प्याज का रुपया बढ़ता बढ़ता इतना हो गया है कि अब उसे चुकाना आपके बस की बात नहीं है। जी, जल्दी घर चलो, चाचा जी ने घर में उधम मचा रखा है। हाँ।
बलराम कमाने लगेगा सो। वो भी टूट गई, वो भी चला गया। अब तो एक ही बात समझ में आती है कि मकान खाली कर दो। हाँ नहीं देवर जी, अरे मैं ये मकान खाली नहीं करवाऊं तो रुपया क्या ऊपर से बरसेगा? मुझे तो मेरा रुपया चाहिए या फिर ये मकान। ये बात है। हाँ यही बात है। तो आप भी सुन लो देवर जी, जी। इस घर में मैं दुल्हन बनकर आई थी, इस घर से मेरी अर्थी उठी। अरे तो फिर देर किस बात की? इस दुष्ट से दया की भीख मांग रही हो, जिसका तो पैसा ही भगवान है, ये इंसानियत के नाम पर कलंक है ना। चाचा पानी अब सर से ऊपर गुजर चुका है। अरे रे रे रे, वाह 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 वाह, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोलने लगी जिसमें 72 छेद हैं। अरे इतना ही घमंड है तो मेरा रुपया दे दे, ला निकाल। रुपया जरूर दूंगा चाचा। दूंगा दूंगा, सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, फेंको सारा सामान बाहर और चलो यहाँ से। अरे मारो इसे। अगर तुम मेरे चाचा नहीं होते और मुझे मेरी मान मर्यादा का ख्याल नहीं होता तो मैं चले जाओ यहां से, कहीं मुझे मेरी सीमा ना लांघनी पड़ जाए। जा रहा हूं, जा रहा हूं, देख लूंगा, वक्त वक्त की बात है बेटा, ताकत नहीं पैसा काम आएगा पैसा, अदालत में घसीट लूंगा, हथकड़ियां लगवा दूंगा, जेल नहीं भिजवाया तो तेरा चाचा नहीं। अरे तेरी बहन, बिंदस दौलत देख के गर्वित क्यों हो यार, जोड़त लागा बरस जो जाता न लागे बार। अरे जा हट। अगर तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगा, हथकड़ियां लगवा दूंगा, अगर मैंने तुम्हें जेल नहीं भिजवाया तो मैं भी तुम्हारा चाचा नहीं। अब बलराम भैया इस घर की इज्जत को बचा सकते हैं। मैं बलराम भैया के पास जाऊंगी, उनको साथ लेकर ही आऊंगी, उनको साथ लेकर ही आऊंगी। गीता, गीता, माँ, बजरंगी, हाँ माँ, बेटा बजरंगी, क्या हुआ माँ? बेटा, गीता कहीं चली गई? क्या? सारा घर छान लिया। माँ, तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। गीता, गीता, गीता।
गीता, गीता, राधा, राधा, गीता आई थी क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? गीता घर में नहीं है राधा। क्या हुआ बेटा, मिली क्या? नहीं माँ, वो बलराम को चिट्ठी लिखने के लिए कह रही थी। मेरा मन कहता है कि वो जरूर शहर चली गई होगी बेटा। हाँ माँ, मैं बलराम के पास जा रहा हूँ। राधा, गीता शायद शहर चली गई है, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ, तुम माँ का ध्यान रखना। अच्छा। चलिए माँ जी। माजी, माजी, चलिए माजी, आराम कीजिए। अरे अब कैसे आराम? अरे विधाता, ये मेरे दाता, तू कैसे कैसे खेल दिखा रहा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसे दुखों का सहारा पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा, जो मेरे जीवन में आंसू दे गया? अरे ऐसी पीड़ा से अच्छा मुझे उठा लो भगवान। नहीं माजी, ऐसी बातें मत कीजिए। राधा, मेरी जान तो मेरे पोते में ही अटकी है, बस एक बार उसका मुंह देख लेती तो आराम से मर सकती। बधाई हो, आपको लड़का हुआ है। देख माँ, देख, देख, आज तू दादी बन गई माँ, दादी बन गई। बधाई हो, आप नाना बन गए। मैं नाना बन गया। आपकी बेटी को लड़का हुआ। लड़का हुआ है। हाँ। बधाई हो। नाना बन गया। बधाई हो। लो, बधाई लो। अरे मुझे जी जी बोली करो। हाँ, हाँ, हेलो हेलो, चलो चलो। बलराम, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बलराम, दरवाजा खोलो बलराम। नहीं, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। पिताजी, पिताजी, बलराम मुझे मेरा बच्चा देने से मना कर रहा है। मना कर रहा है? ये क्या बला है? अरे बचपने की भी हद होती है, औकात भूलना बेवकूफी है। औकात जिसकी गिरवी रखी हो उन्हें भूलने का सवाल ही कहाँ उठता है। मैं देखता हूँ कैसे नहीं देते हो। ठहरो, मेरा बच्चा यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। बच्चे को दूध तो पिलाने दीजिए, ये आप क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे आज से बहुत पहले कर देना चाहिए था। मुझे इतना तड़पा तड़पा कर मत मारो, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने निर्दयी हो सकते हो। अब तो मालूम हो गया। हाँ अब हो गया। अरे कीचड़ में पत्थर मारकर कपड़ा गंदा हो गया। अरे औलाद की खातिर मजबूर हूँ, नहीं तो तेरी क्या हिम्मत है तू मेरे सामने बोल सके। पानी सर से ऊपर निकल गया है, अब पंचायत बुलाऊंगा और पंचायत में फैसला कराऊंगा मैं। आप पंचायत बुला ही रहे ना, तो ठीक है, अब तो फैसला पंचायत में ही होगा। चल बेटे, चल। माई, बाबा, माई, ये क्या हाल बना लिया? अब कैसा हाल और कैसा जाल?
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होई। बाबा आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं तो भूल ही गई बालाजी भगवान को, मुझे माफ कर दो। राधा जी। माँ जी। बेटी तू मुझे बालाजी लेके चल। हाँ माँ जी। संकट मोचन पवन तने महाबली बजरंग वीर, सबके बिगड़े काम बनाते बन थे। बाबा तुमने मुझे इतना सुख दिया और मैं तुम्हें भूल गई। इस भूल का प्रायश्चित कर रही हूँ। आज मेरा परिवार ना जाने कहाँ बिछड़ गया है। मेरा बेटा जहाँ भी है उसकी रक्षा करो। मुझे माफ कर दो बालाजी, मुझे माफ कर दो। मरने से पहले मुझे एक बार दर्शन दे दो, बस एक बार, एक बार। अरे वाह भगवान, आज तुमने मेरी सुन ली। बलराम को बलराम की बहू लेकर चली गई, गीता अंधी हो गई और बजरंगी का पता नहीं कहाँ गया। बची है अब ये बुढ़िया। मेरी आखिरी प्रार्थना है प्रभु, उसको तू उठा ले, सारी जायदाद का मालिक मैं अकेला हो जाऊंगा। मेरी पौबारा 25 हो जाएगी। परमात्मा की सौ, तेरी सौ खा के कहता हूँ, सारे गाँव को खीर पूरी खिलाऊंगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो सत बार तेरी माँ को तो आग, अरे बचाओ सोमो, अरे बचाओ, सब कुछ मेरा जल रहा है। अरे बचाओ रे, अरे मेरा सब कुछ जल गया रे, सब कुछ जल गया। बचाओ, अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ सोमो, सोमो। अरे अरे देखो इसे क्या हो गया। अरे यार ये क्या हो गया। अरे देखो देखो
नहीं बस यही ऐसे ही कैसे कैसे क्या हुआ क्या हुआ भाई अरे भाई लोगों जरा मदद करो इनको उठाओ पानी नहीं पिला अरे हां शक्ल से तो कोई भले घर का दिखता है नहीं कोई जानने वाला भी नहीं भाई जी तूने नहीं देखा चलो भैया उठाओ इसे घबराने की कोई बात नहीं है थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे आप जाकर ये दवा ले आओ सुनो ये बजरंगलाल जी है ना हाँ पर आपको कैसे मालूम ऐसे ही आप जाकर दवाइयां ले आओ हाँ बजरंगलाल जी बजरंगलाल जी कहाँ है मेरी गीता आपने मुझे पहचाना क्या बाबूजी मान लो ये लड़की अपने घर जाकर अंधी हो जाती तो आप क्या करते हैं डॉक्टर हाँ मैं वही बेरहम डॉक्टर हूं जो एक भाई की अंधी बहन को ब्याह के मंडप में छोड़ आया है पर अब तो वह अभागन हमें ही छोड़कर चली गई कल रात मेरी कार से एक अंधी लड़की टकराई थी वो अपना नाम गीता बता रही है गीता हाँ कहाँ है मेरी गीता आओ मेरे साथ आओ आओ गीता भैया गीता भैया गीता भैया हे भगवान ये क्या हो गया डॉक्टर घबराओ मत मामूली सी चोट है दो दिन में ठीक हो जाएगी अब आप आराम करो बच्चा अगर इसका है तो मेरा भी है ये बच्चा मेरे पास रहेगा पति पत्नी में अनबन तो होती ही रहती है पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अलग अलग रहने का फैसला कर लें अग्नि के साथ फेरे लेते समय तुम दोनों ने जो कसमें खाई थी उन्हें क्या भूल गए तुम्हारी जिद और तकरार का नतीजा क्या होगा तुम्हारी संतान के भविष्य को बर्बाद कर देगा तुम अपने संतान को सब कुछ दे सकते हो पर क्या इसे इसकी माँ का प्यार दे सकोगे और सुन बेटी तुम अपने बच्चे को सब कुछ खरीद कर दे सकती हो पर क्या इसे इसके बाप का प्यार दे सकोगी और फिर ये बताओ इस बच्चे को पालने का हक किसे है तुम्हें या इन्हें पति होने के नाते आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हो पर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझसे मेरा बच्चा दूर मत करो ना प्लीज मेरा मुन्ना मुझे दे दो मैं एक गरीब माँ का शरीफ बेटा हूँ मेरी गरीबी को अच्छी तरह से जानते हुए भी इसने मुझसे शादी की शादी के बाद मेरी इच्छा थी कि जिस माँ की मैं देवी की तरह पूजा करता हूँ और जिस भाई को मैंने भगवान का दर्जा दिया था मेरी पत्नी उनकी सेवा करेगी कदर करेगी पर ये औरत इंसानियत के मुंह पर तमाचा मारकर बहू के धर्म को कचरे में डालकर मेरे घर को नरक बना दिया
लाचार होकर मेरी माँ ने इसके सुख के लिए मुझे इसके साथ भेज दिया। दिल पर चोट खाकर मैं इसके साथ चला गया। मेरी माँ गरीब है और इसका बाप बहुत अमीर, पर माँ की ममता ना गरीब होती है ना अमीर, सिर्फ ममता होती है मुखिया जी, ममता। मुखिया जी, मैं आपसे और समाज से पूछना चाहता हूँ कि ये माँ अपने चार दिन के बच्चे से अलग होकर इतना बिलख रही है, तो मेरी माँ का क्या हुआ होगा? मुखिया जी, जिस माँ ने 25 साल तक अपने कलेजे के टुकड़े को मोरनी के अंडे की तरह पाला हो, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी? इसका ये आप भी हिसाब लगा पाई है या नहीं? अब मेरी पंचायत से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मुझे किसी की कोई दौलत नहीं चाहिए, कोई ऐशो आराम नहीं चाहिए। अभी भी अगर ये चाहे तो मैं इसके रास्ते से हटने को तैयार हूँ और मैं अपने बच्चे को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसकी खातिर सुनिए जी, बलराम, मेरी करनी ने आज मुझे नीचा दिखा दिया, आज मेरी आंखें खुल गई, मुझे माफ कर दीजिए। माँ बनने के बाद मुझे मालूम हुआ कि माँ की ममता क्या होती है और उसका सम्मान क्या होता है। मुझे माफ कर दीजिए और मुझे माँ के पास ले चलिए। गीता, मेरे लाडो, मेरी बहन, तू मुझे देखकर जितनी खुश नहीं हो रही है उससे ज्यादा माँ खुश होगी। गीता, अब हमें अपने गांव चलना चाहिए। अगर आपके आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ गांव चल सकता हूँ। जरूर चलो जी। गीता, तू जानती है ये कौन है? नहीं, पर इतना जरूर जानती हूँ कि ये देवता पुरुष है। इनकी दया से मेरी आंखें ठीक हो गई। मेरी दया से आंखें ठीक हो गई? पर मैंने आंखों का इलाज तो किया ही नहीं। पर हाँ, याद आया, ये बालाजी की मूर्ति पर गिर पड़ी थी, ये शायद उनकी कृपा है। अरे हमारे ऊपर तो सब बालाजी की ही कृपा है। अरे हाँ, ये वही है जो बारात वापस ले गए थे। पर हैं बड़े तपस्वी, उस दिन से ये संकल्प कर रखा है कि मैं कुंवारा ही रहूंगा। अरे भाई साहब, पर अब कैसे कुंवारा रह सकता हूँ? माँ, माँ, गीता, भैया।
पर तो कोई नहीं है। राम बेटा। अरे चाचा। अरे राम, जीता रहा बेटा, जीती रहे बहू। चाचा, ये क्या हाल बना रखा है? बेटा, बालाजी मेरे पापों का दंड दे रहे हैं मुझे। तुम्हारे साथ जो कुछ जीवन भर किया उसी का फल भोग रहा हूँ बेटा। मेरा घर बार जलकर राख हो गया। और बेटा, भाभी जी और राधा सारासर चले गए हैं। बेटा, हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो वहीं चलते हैं। चलो बेटा, चलो। हाँ चलो, हम सब लोग सालासर चलते हैं। चलो 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 साहब, चलो। बलराम भैया, भैया भैया, गीता भैया, गीता भैया, गीता तेरी आंखें। हाँ भैया, भैया रे बस भाभी, भैया भैया मुझे माँ। मैं जा रही हूँ। माँ जी ऐसा मत बोलिए। बजरंगी, बजरंगी आकर गंगा जल देता तो प्राण आराम से निकल जाते। माँ जी, माँ मैं आ गया हूँ। माँ तू आ गया? हाँ माँ, देख माँ देख, आज तेरा सारा परिवार आ गया है। माँ 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 मा, अब हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। माँ माँ, तेरी ममता जीत गई। माँ देखो, श्यामा भी घर वापस आ गई। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी मैंने आप लोग को बहुत दुख दिया है, मैं अभागन हूँ। आपकी सेवा करने की बजाय मैंने आप लोग की झोली दुखों से भर दी। नहीं बहू, माँ भी कभी औलाद से दुखी हुई है क्या? माँ माँ, ये देख गीता की आंखें वापस आ गई। भाभी मुझे माफ कर दो, भाभी मुझे माफ कर दो। मैंने माँ जैसी भाभी को बहुत कष्ट दिया। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ भाभी, मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। नहीं करेगा भाभी, नहीं करेगा। सुबह कब भूला हुआ, अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। राधा जी, माँ जी तेरा हाथ दे बेटा। आज मत बोलना कि अभी नहीं। तुम कह रही थी ना, तुम्हें पोते की आस थी ना, ये लो तुम्हारा पोता। हाँ माँ, देख देख माँ, बलराम का बेटा। हे बालाजी महाराज, आप ही इस कलियुग के सच्चे भगवान हैं।